तालाब का पानी हरा करने के 3-4 तरीके, घरेलू तरीके बिना खर्च के आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। तालाब का पानी हरा, उसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, मछली पालन में सबसे बड़ी भूमिका मछलियों के लिए उसका भोजन निभाता है, और वो प्राकृतिक भोजन जो कि उसके तालाब में नेचुरली प्राकृतिक ढंग से मौजूद होना चाहिए। जब आप तालाब में मछलियों के बच्चे डालते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन तालाब में होता है। पानी जैसे ही तालाब में भरा, मछलियों के लिए प्राकृतिक ढंग से कुछ पौधे उग जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उग जाते हैं। कीड़ों मकोड़ों को जू प्लैंकटन कहा जाता है और पौधे को फाइटो प्लैंकटन कहा जाता है। लेकिन बच्चे जब 4-5 दिन रहते हैं तालाब में, तो उस तालाब के पूरे भोजन को वो खाकर समाप्त कर देते हैं। ऐसे में हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मछलियों का पहला और सबसे अच्छा भोजन जो है जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन, छोटे छोटे जलीय पौधे जिसे फाइटो प्लैंकटन बोला जाता है, छोटे छोटे जलीय जीव जिसे जू प्लैंकटन बोला जाता है। सबसे पहले आपको, जो किसान को जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन के बारे में जानकारी नहीं है, उनको हम बता देते हैं। फाइटो प्लैंकटन छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसे खासकर रोहू मछली खाती है, और ये फाइटो प्लैंकटन जो होते हैं पौधे, ये तालाब में ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। और जू प्लैंकटन जो होता है, इन्हीं फाइटो प्लैंकटन को खाकर, यानी कि जू प्लैंकटन छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, छोटा छोटा जलीय जीव होता है जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो इन पौधों को खाते हैं और ये पौधे तालाब में ऑक्सीजन बनाते हैं। इन पौधों को, फाइटो प्लैंकटन को खाकर जू प्लैंकटन बढ़ता है, और जैसे ही जू प्लैंकटन बढ़ता है उसे कतला मछली खाती है, सिल्वर कार्प खाती है, बिग हेड खाती है। फाइटो प्लैंकटन रोहू के लिए और जू प्लैंकटन कतला के लिए। कतला भी फाइटो प्लैंकटन खाती है, रोहू भी जू प्लैंकटन खाती है, लेकिन इनका अपना अपना भोजन है। दोस्तों, कतला ऊपरी लेयर में रहती है और रोहू मध्य लेयर में रहती है, मृगल सबसे निचले लेयर में रहती है। तालाब में 3 लेयर होते हैं, और उसी प्रकार से प्लैंकटन की मात्रा भी 3 लेयर में अधिक कम और सबसे कम होता है, यानी कि सबसे अधिक ऊपर की ओर प्लैंकटन बनता है और सब बीच में थोड़ा कम बनता है, नीचे और कम बनता है। इसके पीछे कारण है कि सूर्य का रोशनी 1 से 2 फीट 3 फीट तालाब के अंदर तक जाता है, तो वहाँ तक अच्छा खासा प्लैंकटन बनता है। ज़मीन तक सूर्य की रोशनी न जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए नीचे बहुत कम प्लैंकटन बनता है। तो ये हो गई प्लैंकटन के बारे में। अब आंध्र प्रदेश के किसान और कोलकाता के किसान, ये दोनों में समानता है कि ये लोग अपने तालाब के पानी का बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ हमने देखी है आंध्र प्रदेश में और अपना वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कि ये लोग मछलियों को, जहां हम 1 साल में 1 किलो भी सही से नहीं करते हैं, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड वाले, वहां वो 1 साल में 3 किलो का कतला कर लेते हैं, 1 साल में 1.5 से 2 किलो का रोहू कर लेते हैं, और मात्रा भी अधिक रखते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इतना बढ़िया तरीक़ा से ये लोग कैसे मछलियों को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपके बाज़ार में आंध्र प्रदेश का आंध्रा का बर्फ वाला मछली हो या कोलकाता का जिंदा मछली हो, बड़ा बड़ा 3 किलो 4 किलो का कतला कैसे लोग कर लेते हैं बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ सबसे पहला चीज जो वो काम करते हैं, सबसे पहला और बड़ा चीज, मछलियों का प्राकृतिक ढंग से भोजन का निर्माण, वो उनके दिमाग में, वो किसान के दिमाग में होता है। वही आपको जानना है कि आंध्र प्रदेश के किसान के मन में क्या होता है, कोलकाता के किसान के मन में क्या होता है, क्या वो ऐसा करते हैं जो बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वाले, छत्तीसगढ़ वाले, झारखंड वाले, गुजरात वाले या अन्य राज्य वाले नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़मीन का कोई कमी नहीं है, तालाब का कोई कमी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है जितना उत्पादन होना चाहिए, जैसे आंध्रा में हो रहा है। और कम कम जगह से लोग के पास तो 50x50 फीट का तालाब होता है, गड्ढा होता है, उसमें से भी बहुत अच्छा उत्पादन कर लेते हैं बंगाल वाले और आंध्र प्रदेश वाले। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला चीज़ जो है तालाब में मछलियों का भोजन। आप आंध्र प्रदेश का भी घूमने जाइए या आप वेस्ट बंगाल का भी घूमने जाइए, ऐसा कोई किसान आपको नहीं मिलेगा जो, जिनका तालाब का पानी हरा ना हो। यानी कि हरा होने का मतलब है कि उनके तालाब में भरपूर मात्रा में फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन पौधे, छोटे छोटे पौधे, जलीय पौधे और जलीय जीव की मात्रा हमेशा बनी हुई होती है। आप कोलकाता जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, तालाब विजिट कीजिए, आप रेलवे से भी जाइएगा, ट्रेन से भी जाइएगा, तो
आप ट्रेन से देख सकते हैं बहुत सारा तालाब होता है और सभी तालाब के पानी का रंग हरा रंग का होता है। और आप ये भी पाइएगा कि उनके तालाब पर या तो गड्ढा बना हुआ है साइड में, या तो 2-3 ड्रम रखा हुआ है। ऐसा क्यों? फर्मेंटेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर आप मछलियों का प्राकृतिक भोजन सुनिश्चित कर देंगे, बना देंगे 6-7 महीने जितने दिन का उनका आपको कल्चर रखना है उतने दिन के लिए, बाहर से आपका भोजन में 50% तक खर्च कम जाएगा। और यही चीज़ होता है पंगास के साथ भी। पंगास के लिए लोगों के मन में मानसिकता ये बन गई है कि पूरी तरीके से पंगास को हम दाना पर ही पालेंगे। ये बात पूरी तरीके से गलत है। पंगास पालने के लिए सबसे पहले आपको अपने तालाब में जू प्लैंकटन की मात्रा, यानी छोटे छोटे जलीय जीव की मात्रा, क्योंकि पंगास प्यासी बहकर कैटफिश है, एक कैटफिश मछली है, मांसाहारी मछली है, इसलिए ये जलीय जीव को खाती है। जलीय जीव की मात्रा अच्छी होगी तो पंगास में आपको भोजन में बहुत ही कम खर्च लगने वाला है। बहुत सारे लोगों का 70-75 रुपया तक खर्च आ जाता है दाना, महंगा दाना खिलाने में। लेकिन जब आप ये सुनिश्चित करेंगे अपने तालाब में कि हमारे तालाब में अच्छा खासा जू प्लैंकटन बन गया है, तालाब का पानी हरा हो गया है, तो पंगास का बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा, रूपचंदा का बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा और FCR आपका बहुत कम आएगा। बहुत सारे लोग महंगा महंगा दाना खिलाते हैं और पंगास का रोना रोते हैं कि 100 रुपया किलो बेबी का हमारा। अगर आपका 70-80 रुपया दाना में ही खर्च आ जाता है, मैनेजमेंट में ही खर्च आ जाता है, 100 रुपया में बिकेगा और आपने 6-7 महीने समय दे दिया तो आपको 1 रुपया पॉकेट में नहीं गया। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि समय का भी एक कीमत होता है। दोस्तों, पंगास जो पालते हैं जू प्लैंकटन पर भी फोकस कीजिए। पंगास वाले किसान भी फर्मेंटेशन करेंगे, पानी की क्वालिटी का ध्यान रखेंगे और साथ में फर्मेंटेशन करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का रोना ये होता है कि हमने तो गोबर डाला अपने तालाब में, हमने तो यूरिया डाला अपने तालाब में, जैसा आपने बताया हमने मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर भी डाला अपने तालाब में, लेकिन हमारे तालाब का पानी हरा क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले आपको हम सिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि अगर हम आज जाते हैं, हमारा तालाब में पानी है, जैसा तैसा पानी है, आज जाते हैं गोबर का छिड़काव कर देंगे, यूरिया का छिड़काव कर देंगे, DAP मिनरल ईस्ट, प्लैंकटन नहीं बनेगा, सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा क्यों? उसको डालने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका, क्या आपका तालाब तैयार है प्लैंकटन बनाने के लिए? क्या आपके तालाब का पानी तैयार है प्लैंकटन को जन्म देने के लिए, कीड़ों मकोड़ों को जन्म देने के लिए, फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन बनाने के लिए? आप अपने तालाब को तैयार कैसे करें? डायरेक्ट गोबर को डाल दीजिएगा, यूरिया को डाल दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान होगा। अपने तालाब को तैयार करें कि बहुत अच्छा प्लैंकटन बने, ऐसा कंडीशन क्रिएट करना है। कंडीशन कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले pH नॉर्मल होना चाहिए, अमोनिया नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, नाइट्राइट नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नुकसानदायक गैस है जो तालाब के अंदर होता है। तो हम क्या करें? सबसे पहले आप अपने तालाब का पानी का जांच करें, देखें कि पानी में गड़बड़ी है, पानी में से बदबू आ रहा है या पानी में किसी प्रकार की गड़बड़ी है। तो सबसे पहले आप प्रोबायोटिक डाल सकते हैं जिससे pH बढ़ा होगा, कमा होगा, सही हो जाएगा। नहीं तो साधारण भाषा में समझिए तो चूना आप डलवा दे सकते हैं। प्लैंकटन बनाने की क्रिया करने से पहले 3-4 दिन पहले तालाब में चूना आप डलवा दीजिए। 1 एकड़ में 40-50 kg तक आप चूना डलवा दीजिए। उसके 3-4 दिन के बाद आप फर्मेंटेशन कीजिए। फर्मेंटेशन में गोबर मात्रा होना चाहिए, गाय का गोबर, भैंस का गोबर चलेगा, सरसों की खली होना चाहिए, हल्का यूरिया, हल्का DAP, हल्का सिंगल सुपर फॉस्फेट, गुड़ होना चाहिए, मिनरल और ईस्ट होना चाहिए, और आप मकई का दर्रा ले सकते हैं, राइस ब्रान ले सकते हैं, चावल का भुस्सी ले सकते हैं। सबको ड्राम में रखकर सराहना है और 3-5-6 दिन तक सराहना है। जब बहुत अधिक बदबू आने लगे, उसमें उजले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाए, उसको आप अपने तालाब में 2-3 दिन का अंतराल कर करके ख़त्म कर दीजिए। पूरा तालाब में चारों ओर से डलवा दीजिए। फिर देखिए मछलियों का कितना भयंकर बढ़वा रहता है। कतला के लिए इतना अच्छा जू प्लैंकटन बनेगा, आप सोच नहीं सकेंगे कि कितना बढ़िया हमारा मछली का ग्रोथ आ रहा है, मछलियों में साइन बढ़ रहा है। जितना अच्छा क्वालिटी का, गुणवत्ता का जू प्लैंकटन बनेगा, उतना अच्छा गुणवत्ता का मछली विकास करेगी, उतना अच्छा से मछली विकास करेगी। तो अच्छे गुणवत्ता का जू प्लैंकटन बनाने के लिए, अच्छे गुणवत्ता का भोजन बनाने के लिए, अपने तालाब के पानी का रंग हरा करने के लिए आप मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, ये 2 चीज़ नहीं मिल पाती है।
ईस्ट मिलती है लेकिन आप बेकरी वाला ईस्ट जाकर ले आते हैं, वो गलती नहीं करना है। मछली पालन के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो मछली पालन के लिए अलग से ईस्ट बनाता है, जो कि हमारे अपने कंपनी फिश फार्मिंग एंड सीड्स आपको दे रहा है, आपके घर तक पहुंचा रहा है। ईस्ट का 5 kg का पैकेट आता है, मिनरल मिक्सचर का 10 kg का पैकेट आ रहा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाई पोस्ट हम भेजेंगे, आपके घर तक जाकर मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे पूछिए कि कैसे सर इसमें दाना हम तैयार करें, हमारा इतना बड़ा तालाब है, कितना कौन मात्रा में डालना है। तो तालाब का पानी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब हरा से यहाँ मतलब है तालाब में मछलियों का भोजन। दूसरा हरा बहुत हो जाता है जब अमोनिया बन जाता है या नीचे का मिट्टी खराब हो जाता है। तो हरा पर भी ध्यान देना है कि कौन सा हरा है। बिना किसी कारण का हरा हो गया है मतलब अमोनिया है, पानी से बदबू भी आ रही है तो मछलियाँ मर सकती है। तो हरा को भी ध्यान देना है। आप पीएच जांच सकते हैं, पानी का जांच कर सकते हैं। अधिक मात्रा में गोबर नहीं डालना है, सबका सही मात्रा पता होना चाहिए। मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। एक ये तरीका हो गया हरा करने का। दूसरा तरीका आपके लिए एक फाइटोप्लैंकटन पाउडर, प्लैंकटॉल नाम से आता है, एक जू प्लैंकटन पाउडर जू ब्लूम नाम से आता है, इसको डालने के 1 सप्ताह के बाद आपके तालाब का पानी का रंग बदलेगा, वो हरा हो जाएगा और रोहू हो, कतला हो, ग्रास कार्प हो, जो भी मछली हो आपके तालाब में जो प्लैंकटन खाती है, उनका अच्छा खासा विकास होगा। तो 2 तरीके से आप प्लैंकटन बना सकते हैं। और जितने दिन आपको मछली पालन करना है आप उतने दिन के लिए, हमेशा के लिए आप तालाब में मछलियों का प्राकृतिक भोजन बनाकर रखेंगे। इससे जो मछली पालन में आपको 1 साल 14 महीना या 15 महीना का समय लग रहा है, वो आपका 8 महीना 7 महीना यहाँ तक कि 6 महीना में निपट जाएगा। साल में 2 बार आप ले पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भी आंध्र प्रदेश के किसान के तरह, उत्तर प्रदेश के किसान के तरह, उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग अब अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बंगाल के किसान के तरह कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा मछली पालन अब होने लगा है। तो इस प्रकार से आप भी मछली पालन अपनाइए और मछलियों के लिए भोजन तालाब में निर्माण कीजिए। जिन किसान भाइयों को ईस्ट पाउडर मिनरल मिक्सचर चाहिए होगा दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।